बोले। मेरे शोर का नाम फियाज, मेरा नाम नजमा, मेरी बेटी का नाम मुसर्रत फियाज है। इतना अपनी बच्ची के साथ इतनी जास्ती कर रही है, रोज 2 साल हो गए, 1.5 साल जितने भाई में थे नहीं थी, मैं पंजाब थी, मेरी बच्ची मुझसे ले तो करी दूसरी सौकन दूसरी मान इसके साथ जास्तियाँ करवाई, आज भी कह रहा था मुझे अपनी माओ की उससे भेज अब मिलते हैं। ये कहने लगी, अच्छा मैंने कहा मैं गोश्त नहीं लेके आती, कहने लगा नहीं लेके आएगी तो आज शाम को तेरे इलाज कर दूंगा। वो मार पीट काली क्लोज करके गया है अभी भी। मैं कहाँ जाऊँ, कौन सा मुझे इंसाफ चाहिए। कितने साल से वो ये कर रहे अपनी बेटी के साथ? साल से कर रहे हैं। उसकी शादियां कितनी हुई हैं? 4। तो 4 तहियात है या सिर्फ आप है? पहले वाली मैं हूँ, मेरे से छोड़ दूसरी की किसने इतना डिवोर्स दे दिया था, और दूसरे वाली तीसरे वाली ने मेरी बच्ची के साथ जास्ती करवाई, उसको भी उठाना चाहिए, वो भी साथ इसके मिली हुई थी। कौन सी वाली? तीसरे वाली जुवेदा। वो इस वक्त कहाँ है? वो पंजाब है। अच्छा, चौथी कहाँ है? चौथी को तलाक दे दिया उसको। अच्छा, तो ये क्या बोलता रहता है जब आप घर पे होती हो? क्या बोलते? ये ले आओ दूध, ले आओ चीनी, ले आओ पत्ती, ले आओ घी, ले आओ पता नहीं क्या कुछ कहता मेरी बच्ची जाती करता बाद में, और नेट नहीं में से आता उसको ये पता नहीं मेरी बच्ची जवान नंगा ऐसे जाता है, नंगा ऐसे आता, सब कुछ ऐसे करता, सामने बच्ची की लेटी होगी इसके सामने जाके बिल्कुल मुंह की तरफ खड़ा होएगा, लत्ते बदलेगा नंगा बिल्कुल ना मरसा। अच्छा, ये चीजों के बहाने आपको बाहर भेज देती है फिर अपनी बेटी के साथ? भेज देते। अच्छा, तो ये जो आपको ये ऐसे बोलता रहता है, तो कभी आप लोगों ने रोकथाम की कोशिश की है? आज रोकथाम की क्यों कोशिश की, आज मुझसे मार पीट गाली क्लोज करके गए हैं। आपको मारता पीटता है आपको भी? ये तो मेरी बच्ची को आप मुझे कुछ रखोगी ना, मैं अपनी तेरी माँ को कुछ रखूंगा, तू मुझे कुछ नहीं रखेगी, मैं तुझे कुछ नहीं रखे, तेरी माँ को कुछ नहीं रहने दूंगा। अभी क्या अपील है आपकी इलाकाम से, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे हमें इंसाफ चाहिए, इसको फेयर लगना चाहिए, मरना चाहिए, जलाना चाहिए, मेरे आंखों के सामने मरना चाहिए ये इंसान, इससे मुझे कोई वास्ता नहीं है, मुझे इसे डिवोर्स भी चाहिए, मरना भी चाहिए, मुझे आपसे विनती करती हूँ आप। इंशाल्लाह ताला आपका मसला है। इकरार भाई का मैं शौक से देखती थी, मुझे नहीं पता था, मुझे भी जरूरत पड़ेगी, मुझे इकरार भाई से इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे। ठीक है इंशाल्लाह। बेटा आपका क्या नाम है? मुसर्रत। बेटा आप मुझे पता है जब आपका वालिद साहब आपको ज़बरदस्ती आपको पकड़ता है, आपने उनको मना किया है कई बार? काफ़ी मरतबा मना भी किया है, थोड़ा तेज बोलो। हाथ भी जोड़ती हूँ, पाँव भी पकड़ती हूँ, लेकिन नहीं करता, ज़बरदस्ती मार पीट करके कर लेता है। तो ये क्या कहता रहता है आपको, ये अम्मा को उसके चीज़ों के बहाने बाहर भेज देते हैं फिर आपके साथ करता है ये? जी, पहले दूसरी अम्मी थी उसको किसी बहाने भेजते थे, पहले नशा दे के करते थे, फिर शरीयत करने लग गए, दूसरी माँ को फिर कभी कहीं भेजता था, कभी कहीं भेजता। कितना अरसा? शर्म यार, एक तुम्हारी वीडियो नहीं है ये? कौन है? अच्छा, तुम्हारा चेहरा इसके अंदर आ रहा है, ये क्या कर रहे हो? खुदा का खौफ करो यार, तुम इंसान और हैवानियत की जिंदगी क्या बना रहे हो? ये क्या है? ये क्या कर रहे हो? ये कौन है? ये कौन है भाई? कोई और है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा यही है, ये भी यही है। और तुम्हारी मलयालम देखो, ये देखिए क्या है नाज़रीन, ये तुम्हारा यही रसाई और कैसे कुछ है तुम्हें नाज़रीन? इस बंदे ने इंसानियत खत्म कर दी है, सगी बेटी के साथ 1.5 साल से मुसल ये जाति करता हुआ आ रहा है, अल्लाह करता हुआ आ रहा है, एक शेर उधर है प्लीज, इतना करता हुआ आ रहा है, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है हमारी पूरी टीम ने जो मेहनत करी थी आज हमें इसको रंगे हाथों पकड़ा है और हमारे पास एविडेंस मौजूद है, लेकिन अब जो है कानून के लिए जो मौजूद है कानूनी कार्रवाई करेंगे इसके खिलाफ, और सर इनको ले चले, सर से बात करें, ले चले और बच्चे सर से बात करें कि क्या हो रहा है सर, आगे मिल रहा है, एक मिल रहा है सर, आप ये बताएं आप इनको साथ ले चलेंगे? बिल्कुल लेके जा रहे हैं कपड़े, ठीक कपड़े इधर ही पहने, इधर ही पहने, इधर ही पहनो कपड़े, इसे ले चलो, इसे बुला रहे हैं कपड़े तो पहनो, ऐसे ले चलो, ऐसे ले चलो, ऐसे ले चलो, ऐसे ले चलो, नहीं हमें जीरो, ऐसे ले चलो, चलो। ऐसे से इंसानियत चैनल के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम तर नोटिफिकेशन से बाखबर रह सकें।